हेलो दोस्तों, वेलकम टू हरियाणा पत्रिका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी हमने इंक्लूड किए हैं। और हमारी जो ये सीरीज है उसमें हम मोर देन 1000 एमसीक्यू जो हैं पूरे कवर करेंगे, जो कि आपके स्पेशल क्वेश्चंस रहने वाले हैं KUK क्लर्क फेस टू एग्ज़ाम के लिए। और ये इसके अलावा जो HSSC, HPSC और बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो टोटली इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स दैट कंट्रोल प्रोसेसेस एक्सेप्ट डाटा इन ए कंटिन्यूस फीडबैक लूप। आंसर रहेगा इसका डी, कंप्यूटर्स दैट कंट्रोल प्रोसेसेस एक्सेप्ट डाटा इन ए कंटिन्यूस फीडबैक लूप। नेक्स्ट है, ए लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स द वे पीपल थिंक मैथमेटिकली इज फंक्शनल। इसका आंसर रहेगा डी, ए मिस्टेक इज एन एल्गोरिदम दैट कोचेज इनकरेक्ट रिजल्ट्स इज कॉल्ड ए उसको लॉजिकल एरर हम कहेंगे। ए मिस्टेक इन ए एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम में जो मिस्टेक होती है जो रिजल्ट को गलत बना देते हैं उसको हम एक लॉजिकल एरर कहते हैं। उसके बाद है, ए डिवाइस फॉर चेंजिंग द कनेक्शन ऑन ए कनेक्टर टू ए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन इज दैट इज एन अडैप्टर। नेक्स्ट इज, टेक्निक दैट इज यूज टू सेंड मोर देन वन कॉल्ड ओवर ए सिंगल लाइन इज कॉल्ड। एक सिंगल लाइन पर एक से ज़्यादा कॉल्स को सेंड करने की टेक्निक को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसका आंसर रहेगा आपका डी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू फाइंड ऑन लिंक्डइन? लिंक्डइन पर आपको क्या मिलने वाला है? तो यहाँ पर आपको ना तो गेम्स मिलेंगे, ना चैट मिलने वाली है, और ना ही इसमें आपको एप्लीकेशंस मिलने वाली है। तो आपको यहाँ पर मिलेंगे कनेक्शंस। दोस्तों, लिंक्डइन एक अमेरिकन बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड वेबसाइट है, जिसको स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 2002 को, और इसको लॉन्च किया गया था 5 मई 2003 को। दोस्तों, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो वेबसाइट्स हैं उनके फाउंडर के बारे में, या फिर उनकी जो फाउंडेशन की जो डेट थी, या उनकी लॉन्च की जो डेट थी, वो आपसे कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो लिंक्डइन का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया यूएसए में है, क्योंकि ये वेबसाइट भी यूएसए की है। और इसको जो इसके जो फाउंडर थे वो थे रेड होफमैन और दूसरा एलन ब्लू और कॉन्स्टांटिन ग्यूरिक GUERICKE और एरिकली ERICLY। और जो पांचवे थे वो थे जीन LUC वैलेंट। तो ये लिंक इनके फाउंडर थे, और इसको जो लॉन्च किया गया था वो लॉन्च किया गया था 5 मई 2003 को। इन बातों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। द मेथड ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट रिक्वायर्स ए फोन लाइन, एक इंटरनेट एक्सेस करने का मेथड जिसमें कि एक फ़ोन लाइन की रिक्वायरमेंट होती है, बट ऑफर्स फास्टर एक्सेस स्पीड्स देन डायलअप इज द कनेक्शन। जो डायलअप से ज़्यादा स्पीड आपको प्रोवाइड करता है तो उसको कहा जाता है DSL, यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसकी स्पीड जो है डायलअप कनेक्शन से ज़्यादा होती है। व्हाट इज़ ए फॉर्म ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक? दोस्तों, सर्विस जिसको कि DOS अटैक भी कहा जाता है, ये एक तरह का साइबर अटैक है। इन विच ए होस्टाइल क्लाइंट रिपीटेडली सेंड सिंक्रोनाइज्ड पैकेट्स टू एवरी पोर्ट ऑन द सर्वर यूजिंग फेक IP एड्रेस। तो इसको कहा जाता है सिनफ्लूडिंग, ए प्रोग्राम आइदर टॉक और म्यूजिक दैट इज मेड अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्मेट
फॉर ऑटोमेटिक डाउनलोड ओवर द इंटरनेट इज़ कॉल्ड ए, इसको पॉडकास्ट कहा जाता है, जो कि ऑटोमेटिक डाउनलोड के लिए अवेलेबल रहता है, उसको पॉडकास्ट यहाँ पर कहा जाएगा। उसके बाद है ए यूएसपी कम्युनिकेशन डिवाइस दैट सपोर्ट्स डाटा इंक्रिप्शन फॉर सिक्योर वायरलेस कम्युनिकेशन फॉर नोटबुक यूजर्स इज कॉल्ड ए, तो इसका आंसर रहेगा हमारा ए, यूएसबी वायरलेस नेटवर्क अडेप्टर, जिसका यूज हम दूसरे वाईफाई या वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हम उसका उपयोग जो है करते हैं। उसके बाद है द टर्म यूजर इंटरफेस रिफर्स टू, तो ये रिफर करती है व्हाट द यूजर सीज ऑन द स्क्रीन एंड हाउ दे कैन इंटरेक्ट विद इट, यानी कि एक यूजर स्क्रीन पर क्या देखता है और वो उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, ये यूजर इंटरफेस कहा जाता है। उसके बाद है द कनेक्शन बिटवीन योर कंप्यूटर एट होम एंड योर लोकल ISP, ISP यहाँ पर होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दैट इज कॉल्ड ISP। द कनेक्शन बिटवीन योर कंप्यूटर एट होम एंड योर लोकल ISP इज कॉल्ड, तो इसको कहा जाता है द लास्ट माइल। उसके बाद है व्हाट आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी थ्रू ईमेल्स, यानी कि खुद की पहचान को छुपाते हुए ईमेल के थ्रू आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको ऑब्टेन करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है फिशिंग ट्रिप्स इनको कहा जाता है। ERP इज एन एक्रोनिम फॉर, इट इज एक्रोनिम फॉर इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, तो हमारा आंसर रहेगा बी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। दोस्तों ये शॉर्ट फॉर्म आपके एग्ज़ाम्स में कई बार आ चुकी हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिवली पोजिंग एज अनदर इंडिविजुअल इज नोन एज द क्राइम ऑफ, दैट इज कॉल्ड क्राइम ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, तो इसका आंसर रहेगा हमारा डी। द सिग्नल दैट ए कंप्यूटर इज वेटिंग फॉर ए कमांड फ्रॉम द यूजर इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट, यानी कि हमारा आंसर रहेगा ए, 16 का आंसर रहेगा हमारा ए। फिजिकल सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड विद प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर हार्डवेयर फ्रॉम ह्यूमन टेम्परिंग एंड नेचुरल डिजास्टर्स, एंड वर्ड सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड विद प्रोटेक्टिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम अनऑथोराइज्ड टेम्परिंग और डैमेज, तो इसमें यहाँ पर ब्लैंक स्पेस रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा डाटा सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड विद प्रोटेक्टिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम अनऑथोराइज्ड टेम्परिंग और डैमेज। नेक्स्ट है विच पोर्ट्स कनेक्ट स्पेशल टाइप्स ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स टू साउंड कार्ड्स, दैट इज MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, यानी कि इसका आंसर रहेगा डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर यू आर लाइकली टू फाइंड एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको मिलेगा एक PDA में। दोस्तों PDA होता क्या है, PDA होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDA स्टैंड्स फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसको कि एक हैंडल PC के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मोबाइल डिवाइस की वैरायटी होती है जो आप एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर के तौर पर फंक्शन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डाटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि जो डाटा एलिमेंट है उसमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की सीरीज क्या रहेगी, तो सबसे पहले रहेगा इसमें कैरेक्टर, उसके बाद फील्ड के बाद यहाँ पर रहेगा रिकॉर्ड जमा होते हैं फाइल में, और डाटाबेस में मल्टीपल फाइल्स होती हैं, तो ये रहेगा इसका स्मॉलेस्ट
टू लार्जेस्ट, यानी कि जो डाटा एलिमेंट की सबसे छोटी इकाई है वो कैरेक्टर है, उसके बाद है फील्ड, फील्ड के बाद रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद है फाइल, और फाइल के बाद है डाटाबेस। डाटाबेस में मल्टीपल फाइल्स होती हैं और मल्टीपल एक फाइल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं, और एक रिकॉर्ड में मल्टीपल फील्ड्स होते हैं, और एक फील्ड में मल्टीपल कैरेक्टर होते हैं। ये जब मैं आपको एक्सेल या वर्ड के बारे में थ्योरी करवाऊंगा उस टाइम पर मैं आपको ये अच्छे से समझाने वाला हूँ। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट, कौन सा प्रोटोकॉल है जो डिफरेंट होस्ट्स पर ईमेल फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आपका आंसर रहेगा इसके लिए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? उससे पहले हम जान लेते हैं कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, उसके बाद हम जानेंगे वोलेटाइल मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। तो वोलेटाइल मेमोरी को कॉन्स्टेंट पावर की ज़रूरत पड़ती है डाटा को रिटर्न करने के लिए, यानी कि जो वोलेटाइल मेमोरी होती है उसको लगातार पावर चाहिए डाटा को रिटर्न रखने के लिए, यानी कि डाटा को सेव रखने के लिए। और जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है ये एक कंप्यूटर की मेमोरी है, पावर साइकिल के बाद भी आपके डाटा को स्टोर रख सकती है। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा सी, यानी कि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। उसके अलावा फ्लैश मेमोरी भी यहाँ पर एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। जब मैं आपको थ्योरी करवाऊँगा तो इसके बारे में अच्छे से मैं आपको वहाँ पर समझा दूँगा। व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? तो एम्बेडेड सिस्टम होता है सम कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आपका आंसर रहेगा डी। विच डिवाइस कनेक्ट्स ए लैन टू द इंटरनेट, कौन सा डिवाइस है जो लैन को लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करता है? तो वो है यहाँ पर राउटर। राउटर के थ्रू आप लैन को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है EBC, DIC stands for, यानी कि EBC DIC की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या रहेगी? तो EBC DIC की फुल फॉर्म यहाँ पर रहेगी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। उसके बाद है द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज, यानी कि जो सामान्य पर्पज के लिए जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था वो कौन सा था? दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, वो वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ENIAC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ENIAC था जो जनरल पर्पज़ के लिए पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर दुनिया में बनाया गया था। उसके बाद सिग्नल्स कैन बी एनालॉग और डिजिटल एंड ए कंप्यूटर दैट प्रोसेसेस दैट बोथ टाइप ऑफ सिग्नल्स इज नोन एज, यानी कि ये दोनों तरह के सिग्नल्स को प्रोसेस करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद है ह्यूमन बींग्स आर रिफर्ड टू एज होमोसेपियंस, विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिका सेपियंस। जो ह्यूमन्स बींग है यानी कि जो मानव है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो होमोसेपियंस है, तो उसी तरह से सिलिका सेपियंस किसका साइंटिफिक नेम है? तो ये है कंप्यूटर का साइंटिफिक नेम। EBCDIC कैन कोड अप टू हाउ मैनी डिफरेंट कैरेक्टर्स, EBCDIC की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 25 में आपको इसकी फुल फॉर्म मिल जाएगी। तो ये 256 कैरेक्टर्स को कोड कर सकता है। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड ऑफ ए PC यूनिट आर लिंक्ड टुगेदर बाई सेट्स ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइन्स, व्हाट आर दीज लाइन्स कॉल्ड।
इन लाइंस को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है बसेज। उसके बाद विच इज़ द फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था ए बी सी अटानासोफ बेरी कंप्यूटर, जो कि एक पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? दोस्तों भारत के सुपर कंप्यूटर के बारे में जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब पर जाएं और भारत के पहले सुपर कंप्यूटर के बारे में वहां पर ज़रूर देखें, आपको काफ़ी प्राउड फील होगा। क्योंकि जब भारत ने सुपर कंप्यूटर बनाया था अपना पहला, तो भारत को उस टाइम पर काफ़ी ज़रूरत थी, और अमेरिका और रूस ने उस टाइम पर भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था। तो भारत ने क्या किया, मैं आपको सारी बातें इसमें बता देता हूँ। ये बात है 1987 की, जब अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था, और उसके बाद रसिया ने भी अमेरिका के दबाव में भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत स्पेस और डिफेंस के मामले में आगे बढ़े। रूस और अमेरिका दोनों तरफ से निराश होने के बाद भारत की तत्कालीन सरकार ने फैसला लिया कि हम एक इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटर बनाएंगे दोस्तों, जिसके लिए सी डैक की स्थापना 1988 में भारत सरकार के द्वारा की गई। सी डैक की फुल फॉर्म यहाँ पर रहेगी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जिसका स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था भारत में सुपर कंप्यूटर्स को बनाना, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था सी डैक ने, परम 8000 के नाम से। 1988 में सी डैक की स्थापना के बाद विजय भटकर को सी डैक का डायरेक्टर बनाया गया, जिसके बाद 1990 में भारत का जो सुपर कंप्यूटर था उसका प्रोटोटाइप तैयार किया गया, और उसके बाद 1991 में भारत ने सक्सेसफुली सुपर कंप्यूटर की को बना लिया, जिसको नाम दिया गया परम 8000। और दोस्तों वर्तमान में जो भारत का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है वो है प्रत्यूष, PRATYUSH, ये भारत का वर्तमान में सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद द मेटल डिस्क विच आर परमानेंटली हाउस्ड इन सील्ड एंड कंटेमिनेशन फ्री कंटेनर्स आर कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है विंचेस्टर डिस्क। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर चिप, वो चिप जो पहली बार कमर्शियली अवेलेबल थी, तो वो चिप थी इंटेल 4004, यानी कि इंटेल 4004। उसके बाद है द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बिल्ड विद आईसी चिप्स वाज नोन एज, ये मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था। तो ये था IBM सिस्टम 360, जिसको कि IC चिप्स के साथ बिल्ड किया जाने वाला पहला डिजिटल कंप्यूटर था ये। नेक्स्ट है RATS, RATS stands for रिग्रेशन एनालिसिस टाइम सीरीज। द मैग्नेटिक स्टोरेज चिप यूज्ड टू प्रोवाइड नॉन वोलेटाइल डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज ऑफ डाटा एंड दैट हैव नो मूविंग पार्ट्स आर नोन एज, दे आर नोन एज मैग्नेटिक बबल मेमोरी, तो इसका आंसर रहेगा डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इन टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को एक मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे हम कंपाइलर। ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट एनालिसिस एंड एग्जीक्यूट्स द सोर्स कोड इन लाइन बाय लाइन मैनर विदाउट लुकिंग एट द इंटायर प्रोग्राम इज कॉल्ड ए इंटरप्रेटर।
हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ENIAC, यानी कि जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उस ENIAC, उसको किसने डिजाइन किया था? तो इसको डिजाइन किया था जॉन एकैट एंड जॉन मोसले ने। ए डिवाइस ड्राइवर एक्ट्स लाइक ए बिटवीन द डिवाइसेज एंड OS। जो डिवाइस का ड्राइवर होता है वो डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। तो हमारा आंसर रहेगा सी। कंप्यूटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेजर कैटेगरीज। तो कंप्यूटर को हम चार मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स। उसके बाद है SAN, SAN स्टैंड्स फॉर, दिस स्टैंड्स फॉर स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो हमारा आंसर रहेगा ए। उसके बाद है NAS स्टैंड्स फॉर, NAS की फुल फॉर्म है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, यानी कि इसका आंसर रहेगा बी। उसके बाद है टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन कलर इज यूज्ड। हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए किसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है? तो प्लॉटर है जिसका प्रयोग हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को, जो हार्ड कॉपी होती है उसमें हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करने में प्लॉटर का यूज किया जाता है। उसके बाद है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू ए कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज, दैट इज नोन एज फायरवॉल। आपका आंसर रहेगा इसमें बी। द स्कैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज, इसको कहा जाता है इंक्रिप्शन। ए टाइप ऑफ मैसेज दैट वेब सर्वर्स पास टू योर वेब ब्राउजर व्हेन यू विजिट द वेबसाइट। जब आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो वेब सर्वर जो है आपके वेब ब्राउजर पर एक मैसेज पास करता है जिसको कुकी कहा जाता है। तो आपका आंसर रहेगा डी। सॉफ्टवेयर दैट यू कैन यूज फ्री ऑफ चार्ज फॉर ए सेट पीरियड, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आप कुछ लिमिटेड टाइम के लिए फ्री में यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर दैट यू हैव टू बाय इट टू कीप वर्किंग इज नोन एज। उसके टाइम लिमिट के बाद आपको उसको खरीदना पड़ेगा अगर आप उस पर काम करना चाहते हैं, तो उसको कहा जाता है शेयरवेयर। उसके बाद है ए टाइप ऑफ वायरस दैट लुक्स फॉर सिक्योरिटी लूप होल्स इन ए सिस्टम एंड यूजेस दैट टू रिप्लिकेट इटसेल्फ इज नोन एज, दैट इज नोन एज वॉर्म। RAID स्टैंड्स फॉर, तो RAID की फुल फॉर्म है रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। तो आपका आंसर रहेगा इसमें डी। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर दैट मोनिटर्स योर ऑनलाइन कंप्यूटर एक्टिविटीज इज नोन एज, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को मॉनिटर करता रहता है, तो उसको हम कहेंगे स्पाईवेयर। तो आपका आंसर रहेगा बी। सॉफ्टवेयर दैट इज मेड अवेलेबल एट नो कॉस्ट एंड इज समटाइम्स यूज्ड टू इंटाइस ए यूजर टू परचेज द अनब्रांडेड वर्जन विद नो एडवर्टाइजिंग, तो उसको कहा जाता है फ्रीवेयर। विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले वन और मोर वेब पेजेज विद इन अनदर नॉर्मल वेब पेज, एक वेब पेज पर किसी दूसरे वेब पेज को दिखाने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो वो होता है आई फ्रेम। आई फ्रेम को हम इसके लिए यूज करेंगे। उसके बाद है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए मेन फ्रेम एंड ए सुपर कंप्यूटर, एक मेन फ्रेम और एक सुपर कंप्यूटर में क्या फ़र्क है? तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर जो होता है, सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल, यानी कि सुपर कंप्यूटर जो है एक लिमिटेड प्रोग्राम्स को, यानी कि कुछ ही प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रयोग किया जाता है कम से कम समय में, जबकि जो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो उसकी पावर का यूज किया जाता है एक ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सुपर कंप्यूटर यहाँ पर स्पीड से संबंधित है और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो है टास्क
से रिलेटेड, यानी कि ये मल्टीपल टास्क एक बार में कर सकता है, और सुपर कंप्यूटर जो है टास्क को सबसे तेज स्पीड में कर सकता है। तो आपका आंसर रहेगा सी। स्टोरेज एरिया यूज्ड टू स्टोर डाटा टू कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन स्पीड एट विच द डिफरेंट यूनिट्स कैन हैंडल डाटा इज दैट इज कॉल्ड बफर। आप YouTube पे देखते होंगे कई बार आपको बफरिंग का सामना करना पड़ता होगा, तो वही है ये। कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डरूम, वी कॉल इट डिजिलेंस। यानी कि एक कंप्यूटर ना तो थकता है और ना ही बोर होता है, इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे डिलीजेंस। इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि आईसी आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि आईसी जो है वो कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन से संबंधित है? तो ये है कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन से संबंधित, यानी कि कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया गया था। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स यूजेज द 8-bit कोड कॉल्ड ईबीसी डीआईसी? तो वो कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। द ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। द ALU ऑफ ए कंप्यूटर रिस्पॉन्स टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम कंट्रोल सेक्शन। ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर इज नोन एज दैट इज नोन एज एड्रेस बस। ए टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू ए डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज दैट इज नोन एज पल्स कोड मॉड्यूलेशन। यानी कि आपका आंसर रहेगा ए। बिफोर ए डिस्क ड्राइव कैन एक्सेस मैनी सेक्टर रिकॉर्ड ए कंप्यूटर प्रोग्राम हैज़ टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड्स डिस्क एड्रेस, व्हाट इंफॉर्मेशन डज दिस एड्रेस स्पेसिफाई? तो ये एड्रेस क्या स्पेसिफाई करता है? तो ये स्पेसिफाई करता है ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर और सरफेस नंबर। यानी कि आपका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। What is the responsibility of the logical unit in the CPU of a computer? यानी कि जो logical unit है एक CPU में, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसका काम क्या है? तो उसका काम है to compare numbers, यानी कि numbers को compare करना। उसके बाद the terminal device that functions as a cache register, computer terminal and OCR reader is the ये device है POS terminal। ये एक डिवाइस है POS की फुल फॉर्म में, यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल। ए सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इट इज कॉल्ड रजिस्टर। ए रजिस्टर ऑर्गेनाइज्ड टू अलाउ मूविंग लेफ्ट और राइट ऑपरेशंस इज कॉल्ड ए शिफ्ट रजिस्टर। यानी कि आपका आंसर रहेगा डी। How many address lines are needed to address each machine location in a 2048x4 memory chip? तो इसमें address lines की ज़रूरत रहेंगी 11। तो आपका आंसर रहेगा इसमें B। Multi-user systems provided cost savings for small business because they use a single processing unit to link several That is called dumb terminals। आपका आंसर रहेगा सी। द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी एंड स्टोरेज इज मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंस होता है?
मेमोरी जो है टेम्परेरी होती है और जो स्टोरेज जो है परमानेंट रहती है जब तक कि आप स्टोरेज में से डाटा को डिलीट नहीं करते हैं, जबकि मेमोरी जो है टेम्परेरी होती है। तो आपका आंसर रहेगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, यानी कि स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को यूज करने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था EDSAC, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो EDSA की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। वन निबल इक्वल्स टू, यानी कि एक निबल कितने बिट के बराबर होती है? तो एक निबल होती है 4 बिट के बराबर। तो आपका आंसर रहेगा सी, 1 nibble = 4 bits। द मोस्ट कॉमनली यूज स्टैंडर्ड डाटा कोड टू रिप्रेजेंट अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल एंड पंचुएशन कैरेक्टर्स यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम इज कॉल्ड, तो इसको कहा जाता है ASCII, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ASCII की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है द टर्म GIGO गार्बेज इन गार्बेज आउट इज रिलेटेड टू विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, दैट इज रिलेटेड टू एक्यूरेसी। आपका आंसर रहेगा सी, हार्ड डिस्क इज कोटेड ऑन बोथ साइड्स विद, यानी कि आपकी जो हार्ड डिस्क होती है उसके दोनों ही साइड पर किसकी कोटिंग होती है? तो हार्ड डिस्क की दोनों साइड पर मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है। द कंटेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन, यानी कि इंफॉर्मेशन के जो कंटेंट होते हैं वो कहाँ पर स्टोर किए जाते हैं? तो ये स्टोर किए जाते हैं मेमोरी डाटा रजिस्टर में। उसके बाद द प्रोग्राम्स विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज, यानी कि ऐसे प्रोग्राम जो हार्डवेयर की तरह ही परमानेंट होते हैं और जो रोम में स्टोर किए जाते हैं तो उनको कहा जाता है फर्मवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड, कौन सी मेमोरी है जिसको कि हर सेकेंड कई टाइम पर रिफ्रेश किया जाता है? तो वो मेमोरी है आपकी डायनामिक रैम। इन विच मोड द कम्युनिकेशन चैनल इज यूज इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम, तो इसका आंसर रहेगा आपका फुल डुप्लेक्स। विच ऑफ द प्रिंटर्स यूज इन कंजक्शन विद कंप्यूटर्स यूज ड्राई इंक पाउडर, यानी कि ऐसे प्रिंटर जो ड्राई इंक पाउडर को यूज करते हैं उनको वो किस टाइप के प्रिंटर होते हैं? तो वो होते हैं लेजर प्रिंटर। आपका आंसर रहेगा सी। उसके बाद डेजी व्हील प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ, यानी कि जो डेजी व्हील प्रिंटर है वो किसका टाइप है? तो ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर का एक टाइप है। विच ऑफ दीज इज कंसिडर्ड इंटेलिजेंट केस टूल, तो इसका आंसर रहेगा वर्क बेंच इज कंसिडर्ड इंटेलिजेंट केस टूल। ओरिजिन ऑफ इंटरनेट कैन बी ट्रैक्ड बाई, यानी कि कंप्यूटर का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है तो इसको किससे ट्रैक किया जा सकता है? तो इसको ट्रैक किया जा सकता है एर्पानेट, यानी कि एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क से इंटरनेट के ओरिजिन को ट्रैक किया जा सकता है। उसके बाद है व्हाट इज यूज्ड बाई पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेज टू पब्लिश एंड शेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद ईच अदर एंड इंडस्ट्री एनालिटिक्स एक्रॉस ऑल कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स एंड द इंटरनेट, तो इसके लिए यूज किया जाता है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। सिस्टम प्रपोजल इज प्रिपेयर्ड इन फेस ऑफ SDLC, तो सिस्टम है इनिशिएशन और यहाँ पर SDLC की फॉर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उसके बाद है डाटा वेयर हाउस इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एरियाज, यानी कि जो डाटा वेयर हाउस होता है उसको इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एरियाज के पास में जो है
ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आपका आंसर रहेगा इसमें बी। दिस सिंबल इन DOS कमांड्स इज यूज्ड टू, ये जो सिंबल होता है इसको DOS कमांड्स में किस लिए यूज किया जाता है, तो इसको एज ए रिडायरेक्ट आउटपुट के तौर पर इसको यूज किया जाता है। तो DOS की फॉर्म है इसमें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो DOS की फॉर्म है यहाँ पर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ सिमिलर प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें यूज किया जाता है ब्रिजेस का। व्हाट इज वन रीजन फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ डाटा इंटीग्रिटी, तो वो रीजन है डाटा अवेलेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स इज वन रीजन फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ डाटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ माउंटिंग एन एप्लीकेशन ऑन द वेब, यानी कि एक एप्लीकेशन को एक वेब पर माउंट करने का क्या फ़ायदा है, तो इसका फ़ायदा है, ये सभी इसके फायदे हैं, द पॉसिबिलिटी ऑफ 24 आवर्स एक्सेस फॉर यूजर्स, क्रिएटिंग ए सिस्टम दैट कैन एक्सटेंड ग्लोबली एंड स्टैंडर्डाइजिंग द डिजाइन ऑफ द इंटरफेस, ये सभी इसके जो है एडवांटेज है। तो आपका आंसर रहेगा ऑल ऑफ डीज। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेसेस, यानी कि बिजनेस को प्रॉफिट देने के लिए कौन से डोमेन्स का प्रयोग किया जाता है, तो वो डोमेन है .com, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमर्शियल, यानी कि कमर्शियल वेबसाइट के लिए यहाँ पर .com का यूज किया जाता है, और जो एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट होती हैं उनके लिए .edu का, और .net होता है यहाँ पर .network। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए किस डोमेन का प्रयोग किया जाता है, तो वो डोमेन है .org, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन .org से यहाँ पर बनता है ऑर्गेनाइजेशन। ब्राउजर्स कैन बी क्लासीफाइड इन टू टू टाइप्स, दे आर, ब्राउजर्स को दो तरह से विभाजित किया जा सकता है, और वो हैं ग्राफिकल एंड टेक्स्ट, यानी कि ब्राउजर्स दो तरह के होते हैं, ग्राफिकल और टेक्स्ट। द डिस्प्ले डाटा ओवर इंटरनेट कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स, यानी कि जो इंटरनेट पर जो डाटा होता है, जो डाटा दर्शाया जाता है, उसको दो तरह से क्लासीफाइड किया जा सकता है, और वो है स्टेटिक एंड डायनामिक। विच इज एन ओपन सोर्स डेवलपमेंट एनवायरमेंट टू डेवलप डायनामिक वेब पेजेज, तो वो है PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ए प्रोटोकॉल दैट अलाउज ए यूजर टू लॉग ऑन टू रिमोट कंप्यूटर, विच इज ऑल्सो नोन एज रिमोट लॉग इन इज दैट इज टेलनेट। तो आपका आंसर रहेगा इसमें बी। नेक्स्ट है ए सेट ऑफ रूल्स दैट इनेबल्स ए यूजर टू लॉग ऑन टू अनदर कंप्यूटर एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन इट एंड हिज हर कंप्यूटर, दैट इज FTP, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैंने जितनी भी शॉर्ट फॉर्म आपको बताई हैं वो आप याद रखिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट है वही मैंने आपको बताई है। WWW यहाँ पर होता है वर्ल्ड वाइड वेब। PSTN stands for, यानी कि PSTN की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, तो PSTN की फुल फॉर्म है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। उसके बाद है होम पेज इज ऑल्सो नोन एज, होम पेज को एक नए नाम से भी जाना जाता है, तो वो नाम क्या है, तो इसको इंडेक्स पेज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपने वेबसाइट्स में देखा होगा, आप जिसमें URL डाला जाता है, तो आपको वेबसाइट के नाम के बाद में जैसे कि होम पेज या फिर इंडेक्स आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा। GPRS stands for, यानी कि GPRS की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या रहेगी, तो GPRS की फुल फॉर्म यहाँ पर जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। दोस्तों इस वीडियो में हमने कंप्यूटर के 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए हैं, जो कि आपके KUK और HPSC या HSSC के एग्ज़ाम के साथ साथ बाकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।